अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बीबी जान के दस्तरखान से मज़ेदार चटपटी चना चाट बनाना सिखाएंगे। रमज़ान में हर घर में ये रोज़ बनती है चना चाट। आज आपको मैं डिफरेंट किस्म की चना चाट बनाना सिखाऊंगी। मैंने जो चीज़ें ली हैं वो ये हैं। 2 कप हमने बॉयल्ड चने लिए हैं, जिनको हमने बॉयल करके नरम करके रख लिया, और बिल्कुल सॉफ्ट आपने इनको करना है ताकि ये अच्छी तरह गले में हो, और इनका पानी आपने बिल्कुल इनके अंदर सोख कर लेना है। 2 हमने बड़े साइज़ के आलू बॉयल किए हैं, उसमें हल्का सा हमने फूड कलर डाला है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। कलरफुल ज़रा चाट मज़े की लगती है, अच्छी लगती है। 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, मोटा मोटा इनको नहीं काटना। 1 हमने 1/2 कप हरा धनिया बारीक काटा है, 1 बड़ा टमाटर हमने काटा है, इसके बीज निकाल दिए हैं। हमने 1 मग फटा हुआ अच्छी तरह से, हमें दही चाहिए होगा वो लिया है। पापड़ी ली है, मेरे पास पट्टियाँ समोसों की बची हुई थी, मैंने वो फ्राई कर ली हैं। मीठी चटनी चाहिए होगी, हरी चटनी चाहिए होगी। 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है क्योंकि हमने चनों में भी 1/2 टीस्पून नमक डाला था। 2 हरी मिर्चें हमने बारीक काट ली हैं। इमली की चटनी बनाएंगे बड़ी स्पेशल किस्म की। इसके लिए हमें 1/2 पाव हमने इमली ली है, जिसमें 2 कप गर्म पानी डाल के उसको हमने भिगो दिया था। 1/2 कप हमें गुड़ चाहिए होगा, अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप 1/2 कप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गुड़ को हमने ज़रा पीस लिया है। 1/2 टीस्पून हमें काला नमक चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम एक पैन में इमली डालेंगे और इसके साथ ये सारे मसाले डाल के चटनी बनाएंगे। अब इसमें हमने ये सारे स्पाइस जो हैं वो डालने, ये बड़ी मज़ेदार चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हमने से 5 मिनट तक करना है। इसके अंदर हमने ये गुड़ भी डालना है, इसको हमने पीस लिया था। इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको हमने 5 से 6 मिनट तक पकाना है, और इसको हमने छन्नी में छान के एक गाढ़ा सा इसका पल्प तैयार हो जाएगा, वो हमने निकाल लेना है। मैंने 5 मिनट तक अपनी इमली की चटनी को पकाया है और ये ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है, तैयार हो गई है। अब हम इसको एक छन्नी में छान लेंगे और फिर ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें डाल के इसको छान लें किसी छन्नी में। ये आप चटनी बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बर्गर्स में, दही भल्लों में, चना चाट में। तो आपके पास ये तैयार चटनी फ्रिज में होगी, आप जल्दी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देखें अच्छी तरह से मैश करें, ये आपका गाढ़ा सा पल्प तैयार हो जाएगा। अब हमने एक बाउल में 2 कप चने डाले हैं, इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। 1/2 आलू डालेंगे, हर चीज़ हमने 1/2 डालनी है, बाकी हमने इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा रखना है। टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून। अब हमने जो इमली का पानी बनाया था, चटनी बनाई है, ये देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इसको अब हम इसमें जितना दिल चाहे, जितना आपको पसंद हो खट्टा, उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसको 1/2 डालेंगे और बाद में जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो वो अपनी प्लेट में और भी शामिल कर सकता है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर फ्रेश पुदीना ये भी डालना है, और लेमन जूस, ये मैंने शुरू में नहीं बताया था, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। 1 हमने
लेमन जूस को काट के इसके ऊपर डाला है। अब हमने इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें क्या जबरदस्त चटपटी हमारी चना चाट तैयार हो रही है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको डेकोरेट करना है। इसके ऊपर हम पापड़ी अब डालेंगे। आपका जितना दिल करे, जो चीज ज्यादा अच्छी लगे वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। जबरदस्त ही हमारी चना चाट तैयार हो रही है। रमजान में ये बहुत अच्छी लगती है, रोज बनती है लोगों के घरों में। अब इसके ऊपर जो फटा हुआ हमने दही था गाढ़ा सा, उसको हमने ऊपर डालना है। ये देखें ये पुदीने की जो चटनी है, अब इसको डालें। जिस चीज का आपको टेस्ट ज्यादा अच्छा लगे वो आप उसमें ज्यादा ऐड कर सकते हैं। मीठी चटनी, मिर्चें, कई दफा बच्चों को इतनी हरी मिर्चें नहीं खा सकते तो आप इसको एक साइड पे रख लेते हैं, जिसको जितना दिल करे वो डाल के खाए। अब हमारी ये मजेदार चना चाट तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये चटपटी मजेदार चना चाट तैयार हो चुकी है, ये आप जरूर घर पे ट्राई करें। इस डिश का कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।